हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी मेंस ऑप्शनल बोडो लैंग्वेज लिटरेचर के सिलेबस की। अगर आपने यूपीएससी मेंस में ऑप्शनल के रूप में बोडो लिटरेचर सेलेक्ट किया है तो इस वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, पेपर वन और पेपर टू के सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही इस सिलेबस के पीडीएफ को आप jobsro.com से डाउनलोड कर लें, और जो लोग इंग्लिश में सिलेबस के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, मैंने दोनों पीडीएफ के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और कमेंट में पिन कर दिए, आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर वन के सिलेबस की। इसमें आपको बोडो लैंग्वेज में लिखना होगा, लेकिन इससे पहले बता दें अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी मेंस की तैयारी करने वालों के लिए नए ऑफर लॉन्च किए गए हैं। इसमें अगर आप जनरल स्टडीज़ के साथ ऑप्शनल लेते हैं तो आपको ऑप्शनल पे 25% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा 10% का रेफरल डिस्काउंट मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं दो प्लान हैं, जीएस प्लस ऑप्शनल और आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल। जीएस प्लस ऑप्शनल अगर प्लान लेते हैं, जो कि पहले 77,000 का था, इसका नया प्राइस जो है 57,500 रुपये है। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, आप इसको ले सकते हैं। इसी तरह अगर वन ईयर आइकॉनिक जीएस और ऑप्शनल लेते हैं, जो कि पहले 1,02,000 का था, वो प्लान इस समय आपको 76,500 का पड़ेगा। तो इस समय बम्फर ऑफर चल रहा है, आप ये प्लान ले सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया, आप उस लिंक पर क्लिक करके सब्सक्रिप्शन ले लें। और इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहले पेपर में आपके दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपसे हिस्ट्री ऑफ बोडो लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें होमलैंड, लैंग्वेज फैमिली तथा इसके प्रेजेंट स्टेटस और इसके म्यूचुअल कॉन्टेक्ट विद असमीज के बारे में पूछा जाएगा, फोनोनेम्स के बारे में पूछा जाएगा, टोन्स के बारे में पूछा जाएगा, इसके साथ ही मॉर्फोलॉजी, ओकैप्स तथा इसके सोर्सेस के बारे में पूछा जाएगा, सिंटेक्स के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें टाइप ऑफ सिंटेक्स, वर्ड ऑर्डर के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ स्क्रिप्ट यूज इन राइटिंग बोडो लैंग्वेज सिंस इंसेप्शन के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपसे हिस्ट्री ऑफ बोडो लिटरेचर के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें आपसे जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ बोडो फोक लिटरेचर के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन ऑफ द मिशनरीज के बारे में पूछा जाएगा, पीरियडाइजेशन ऑफ बोडो लिटरेचर के बारे में पूछा जाएगा, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट जेनर जिसमें पोएट्री, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा के बारे में पूछा जाएगा, और ट्रांसलेशन लिटरेचर के बारे में पूछा जाएगा। तो ये था पेपर वन का सिलेबस। अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की। इसको भी आपको बोडो लैंग्वेज में लिखना होगा। सेक्शन ए की बात करें, इसमें आपसे कोठाई मिठाई के बारे में पूछा जाएगा, हथोरकी हाला के बारे में पूछा जाएगा, बरौनी गुडी सिबा और अरोज के बारे में पूछा जाएगा, बरौनी गुडी सिपसा और अरोज के बारे में पूछा जाएगा, राजा नीलाम्बर के बारे में पूछा जाएगा, बीबर के बारे में पूछा जाएगा। इसका प्रोज सेक्शन आपसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड सेक्शन की, जिसमें बीबी बिठाई से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रदाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओखरांग गोंगसे नंगाओ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बैसागु अरु हरिमाओ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गदान बोरो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जुजोनी और से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिहूर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, होर बड़ी होमसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जोलिया दीवान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हागरा गुदुनी मयो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। लेकिन इनके आंसर आपको बोर्डो में ही लिखने होंगे, और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।